भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति हटाने के विरोध में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित चंद्रशेखर आजाद ने कमलनाथ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फैसला वापस नहीं लिया तो वो दिसंबर से क्रांतिकारी तरीके से उपवास पर बैठ जाएंगे। शहीद की मूर्ति हटाकर अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाना क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने देश को अपना खून देकर आजादी दिलवाई। भोपाल में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति हटाकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाए जाने का विरोध तेज हो गया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को 2 दिसंबर तक की मोहलत दी है कि अर्जुन सिंह की प्रतिमा हटाई जाए। अमित ने कहा कि अगर कमलनाथ सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। पूरे भारत में खबर फैल गई है, ये देखकर लग रहा है जैसे क्रांतिकारी ने अपने खून से इस धरती को सींचा, उसका अपमान हो रहा है। शहर को व्यवस्थित करना हमें स्वीकार है, लेकिन शहीद की मूर्ति हटाकर दूसरे की मूर्ति लगाना शहीद का अपमान है। देश के क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने अपने रक्त से इस देश को सींचा, उनका अपमान मुझे लगा भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में एक चौराहा है, नन के चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई है। मैं बताना चाहूँगा, आज से 3 साल पहले वहाँ पर शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लगी हुई थी और जिसको ये बताया गया कि यहाँ जो भोपाल के निवासी हैं राजधानी के, उनको वहाँ से निकलने में दिक्कत होती है, ट्रैफिक में समस्या होती है, ये हवाला देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा को किनारे कर दिया गया। अच्छी बात है, शहर को सुगम बनाने हेतु कोई भी व्यवस्था हो हमें स्वीकार है, देशवासियों को स्वीकार है, पर उस जगह पर किसी और की प्रतिमा लगा देना ये घोर अपमान है एक उस क्रांतिकारी का जिसने अपनी जवानी, अपना लहू, अपने माँ बाप, उन्होंने ही अपनी 2 गोलियां निकाल करके कहा था 2 गोली दे दो मेरे माता पिता को, इनको मार दो जाकर के, मैं उनके पास नहीं आ सकता, ना मैं अपने संगठन का धन उन्हें दे सकता हूँ। ऐसे क्रांतिकारी की मूर्ति वहाँ से हटा देना और दूसरी लगा देना ये अपमान है। हम 2 तारीख तक का समय उनको दे रहे हैं, उसके बाद हम शांतिपूर्ण, बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध यहाँ पर करेंगे और जब तक उन शहीद को उनका सम्मान नहीं मिल जाता हम यहाँ तटस्थ रहेंगे। भोपाल के महापौर आलोक शर्मा ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस जगह से शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हटाई गई वह अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाना एक क्रांतिकारी का अपमान है। सरकार ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हटाई है, वह अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई है जो कि गलत है। सरकार ने नगर निगम से कोई बात भी नहीं की। आलोक शर्मा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वहां से अर्जुन सिंह की प्रतिमा नहीं हटाई गई तो वो भी भूख हड़ताल करेंगे। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार लगातार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रही है। भोपाल में चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा को हटाकर वहां पे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की जो प्रतिमा लगाई है वो पूरी तरीके से गलत है। नगर निगम भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, उसमें किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नगर निगम के अधिकारियों ने नहीं किया है। कांग्रेस के कतिपय नेताओं के इशारे के ऊपर ये प्रतिमा वहाँ पे लगाई है, वो प्रतिमा को वहाँ से तत्काल हटाना चाहिए। आज भोपाल में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के पुत्र हम आए हैं भोपाल, हम उनके साथ जाकर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा पे माला अर्पण करेंगे। अगर 48 घंटे के अंदर अगर प्रदेश की कांग्रेस कमलनाथ सरकार ने अगर वो प्रतिमा को वहाँ से शिफ्ट नहीं किया तो हम अभी चंद्रशेखर आजाद जी के पोत्र हैं उनके साथ चर्चा करके मैं स्वयं भूख हड़ताल के ऊपर बैठूंगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।